तो गाइस फाइनली इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आप काफी समय से कह रहे थे ना कि भाई यहाँ पर द रॉक का रिटर्न कब होगा, और गाइस इस समय द रॉक को लेकर आया है सबसे बड़ा अपडेट जहाँ हम देखने वाले इस वीडियो में कि आखिर द रॉक कब रिटर्न करने वाले हैं WWE में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट टाइम कब देखने को मिले थे द रॉक WWE में। तो गाइस यहाँ पर लास्ट टाइम रेसलमेनिया 40 पर देखने को मिले थे द रॉक, और वो नाइट 1 में फाइट कर रहे थे रोमन रेंज, द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच। गाइस नाइट 2 में भी यहाँ पर रोमन रेंज का साथ देखने को मिले थे यहाँ पर द रॉक पर, एक वजह से जो यहाँ पर हार के चैंपियनशिप अपना लूज कर दिए। और उसके बाद से गाइस यहाँ पर रोमन रेंज भी गायब है और उसके साथ साथ यहाँ पर द रॉक भी गायब है। दोनों सुपरस्टार यहाँ पर रेसलमेनिया 40 के बाद एक बार भी यहाँ पर WWE में दिखाई देने को नहीं मिले। गाइस इस समय द रॉक को लेकर काफी सबसे बड़ा अपडेट आया है उनके रिटर्न को लेकर। तो गाइस इस समय ऐसा माना जा रहा है कि द रॉक यहाँ पर इस बार सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस ये न्यूज है रेसल रिपोर्ट की तरफ से, जहाँ उन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि द रॉक रिटर्न करने वाले इस बार सर्वाइवर सीरीज में। और गाइस रही बात इस बार सर्वाइवर सीरीज को लेकर, तो इस बार का जो सर्वाइवर सीरीज होने वाला वो होगा 30 नवंबर 2024 को। वैसे गाइस इस बार का जो सर्वाइवर सीरीज होगा वो होगा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। और गाइस यहाँ तो आप जानते हैं WWE का कुछ अलग क्रेज है, जैसा की आप जान सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल रिटर्न होने वाला है द रॉक का। और गाइस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है द रॉक को लेकर, द रॉक का जब डेब्यू हुआ था 1996 में, तो उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में ही अपना डेब्यू किया था पहली बार, जिसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि द रॉक का रिटर्न होने वाला ही है इस बार के सर्वाइवर सीरीज में। वैसे गाइस कुछ समय पहले ही द रॉक का जब रिटर्न हुआ था WWE में, उन्होंने पार्ट टाइम रेसलर को छोड़कर इन्होंने फुल टाइम रेसलिंग किया था। गाइस यहाँ पर जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं तब से यहाँ पर द रॉक यहाँ पर पार्ट टाइम रेसलर बन चुके हैं WWE का। तो गाइस ये तो ठीक है, यहाँ पर द रॉक का रिटर्न तो होगा ही, आखिर यहाँ पर द रॉक का रिटर्न होने के बाद उनका अगला अपोनेंट कौन होने वाला है। तो गाइस इसके बारे में भी एक न्यूज आई थी कि द रॉक का जब रिटर्न होगा तो यहाँ पर द रॉक यानी कि फाइनल बॉस वर्सेस ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंज के बीच एक मैच देखने को जरूर मिलेगा। ये मैच यहाँ पर सारे फैंस का ड्रीम मैच है, तो ये मैच देखने को जरूर मिलेगा और काफी इंटरेस्टिंग मैच भी होगा ये। तो वैसे गाइस आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर द रॉक का रिटर्न कब होगा और उनका अगला अपोनेंट कौन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।